तो आखिर क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी मदरसाओं को बैन किया जा रहा है, और इन सभी मदरसाओं के बैन हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद ये बात पहुँचती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ऊपर अभी तक तो रोक लगा रखा है, मतलब कि अभी तक तो इन मदरसाओं को बंद नहीं किया जाएगा। तो आखिर क्यों अचानक से इन सभी मदरसाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बंद करने की मुहिम क्यों स्टार्ट हो गई है। पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से ये पूछा जाता है कि जिस तरीके से मदरसा बोर्ड के द्वारा बच्चों को उत्तर प्रदेश में अलग अलग टाइप की शिक्षा दी जा रही है, उन सभी को बंद करके फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, और इन 17 लाख बच्चों को नॉर्मल स्कूल सिस्टम में क्यों नहीं लाया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को 2004 में लाया जाता है, जिसका ये पर्पस था कि बच्चों को इस्लाम की शिक्षा दी जाए, जैसे कि अरेबिक, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज और फिलोसफीज, और इन सभी चीजों को एक फॉर्मल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। और आज के टाइम पर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसास आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 16,500 ही उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा वेल रिकॉग्नाइज्ड है, और 8,500 मदरसाओं को अनऑफिशियल तरीके से चलाया जा रहा है, और 560 मदरसा तो ऐसे हैं जिन्हें खुद गवर्नमेंट के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, और इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में लगभग 17 लाख बच्चे पढ़ा करते हैं, और इसी मदरसा एजुकेशन बोर्ड में अलग अलग टाइप की डिग्रियां दी जाती हैं, जैसे कि कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसे अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहा जाता है, और यहाँ पर उसे कामिल कहा जाता है, और उसके आगे की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को फाजिल कहा जाता है, और इसी के साथ साथ जो डिप्लोमाज होते हैं उनको यहाँ पर कारी कहा जाता है, और इन सभी एजुकेशन डिग्री के सर्टिफिकेट्स मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, और इन सभी के साथ साथ क्लास 10th हो गया मौलवी और क्लास 12th हो गया आलिम, इन जैसे क्लासेस के एग्जामिनेशन भी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इन सभी मदरसाओं को अनकॉन्स्टिट्यूशनल को डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इस चीज के कई सारे रीजन बताए गए हैं। तो पहला ये कहा जाता है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाना चाहिए, और यहाँ पर इस मदरसा बोर्ड के सिस्टम को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। और फिर दूसरा कारण ये बताया जाता है कि हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वॉयलेशन करता है ये मदरसा एक्ट। और आखिर वो कैसे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आर्टिकल 21A को लागू किया जाता है, जिसका ये मतलब था कि 8वीं क्लास तक की शिक्षा को सभी बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया जाए, और फिर यही ये सब मदरसास क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रोवाइड कराने में फेल हो जा रही हैं, जिसके वजह से ये सब मदरसास बच्चों के फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन का वॉयलेशन करते हुए दिखते हैं। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट बताया है, और इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन सभी मदरसास को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, जिसके बाद एक सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पेटीशन फाइल की जाती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और फिर ये कहा जाता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मदरसास के 10,000 टीचर्स और 17 लाख स्टूडेंट्स का क्या होगा। और साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंह जी के द्वारा ये कहा जाता है कि मदरसास में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जा रही है, ये कहना बिल्कुल गलत है, और इसका कंपैरिजन बाकी सब बोर्ड्स के साथ करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और फिर इस चीज के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि मदरसास के टीचर और स्टूडेंट को फॉर्मल स्कूल सिस्टम में इंक्लूड कर लिया जाएगा, और सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन का सपोर्ट करते हुए दिख रही है। और ये कहा जा रहा है कि हमें इस इश्यू के ऊपर और डिस्कशन करने की जरूरत है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का इस चीज के ऊपर ये कहना है कि इन सभी मदरसास को सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट कहना कहीं ना कहीं गलत है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का नेचर किसी चीज को बंद करवाने की जगह उस चीज को बेटर करवाने के ऊपर होना चाहिए। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन को अभी के लिए होल्ड कर रखा है। तो आपका उत्तर प्रदेश के मदरसास को लेकर के क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी टाइप की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।